इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे बालों में कोई जान नहीं है, हेयर फॉल हो रही है, हेयर लॉस्ट हो रहा है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा फिजी है, ड्राई है, डैमेज है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं बालों के बारे में, हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेयर, लेकिन आज मैं बहुत ही अच्छा रेमेडी लेके आई हूँ। ये जो रेमेडी है, ये आपके बालों को, जो भी आपके बालों में प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल हो रही है, हेयर डैमेज है, आपके बाल नहीं ग्रो हो रहे हैं, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली डेफिनेटली दूर होने वाला है। और ये बहुत ही बेस्ट, दी बेस्ट रेमेडी है। और वो क्या है? और वो है राइस वाटर। अगर आप फर्मेंटेड राइस वाटर यूज करेंगे, उसमें इतने सारे बेनिफिट्स है। उसमें है मिनरल्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, उसमें है विटामिन्स बी एंड ई, अमोनिया एसिड, इतने सारे गुण है, इतने सारे बेनिफिट्स है। और चाइना के यू टाइप वुमेन हमेशा वो बालों को धोती है राइस वाटर के साथ, और कभी नहीं वो लोग शैम्पू यूज करते हैं, और उनके बाल इतने घने, इतने लंबे, इतने काले होते हैं, और उनके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ राइस वाटर को यूज़ करते हैं। तो राइस वाटर में इतने सारे बेनिफिट्स है, इतने सारे गुण है। अगर आपको लंबे बाल चाहिए, घने बाल चाहिए, और अगर आपको हेयर फॉल हो रही है या हेयर डैमेज है, या अगर आपको हेयर लॉस्ट हो रहा है, तो ये सारे सारे प्रॉब्लम्स की एक ही हल है, राइस वाटर। सिर्फ और सिर्फ राइस वाटर। राइस वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट, दी बेस्ट एंड दी बेस्ट। तो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे बाल कितना लंबा हो गया है, और कितना मैनेजेबल, कितना शाइन है इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ राइस वाटर का इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो राइस वाटर है, जब आप शैम्पू करते हो, उसके बाद जब आप कंडीशनर करते हो, उसके बाद द लास्ट रिंस शुड बी राइस वाटर, जो फर्मेंटेड राइस वाटर है, और वो आप रखें फॉर 30 मिनट्स, और फिर वो प्लेन वाटर के साथ अगर आप धोएंगे, तो आप इंस्टेंट रिजल्ट्स पाएंगे। बिलीव मी गाइज, द इंस्टेंट रिजल्ट्स यू विल सी इन योर हेयर। आपके बाल में वो शाइन है, वो जो बेजान हो गए हैं, वो बिल्कुल यू नो जान आ जाएगा, एंड यू विल लव योर हेयर आफ्टर दैट। सो गाइज, बिफोर वी गो टू द किचन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपने आइकॉन बटन को प्रेस नहीं किया अब तक, तो उसको भी जरा प्रेस कीजिए, और आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं नया वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, आप चलते हैं किचन में। मैंने एक कप राइस लिया है बोल में। मैंने राइस वाटर को अच्छी तरह धो दिया है। अब हम इस राइस को रखेंगे कम से कम 24 आवर्स। आप 12 घंटा भी रख सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा आप रखेंगे, उतना ज्यादा आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। इसमें है बहुत ज़्यादा विटामिन्स, न्यूट्रिशंस आपके बालों के लिए, आपके हेयर लॉस के लिए, आपके गंजापन के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो अब हम इसको रखेंगे 24 आवर्स के लिए। गाइज, आप देख सकते हैं 24 आवर्स के बाद ये पानी बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया है, और हमें यही चाहिए। और इसमें इतने सारे विटामिन्स है, न्यूट्रिशंस है, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है आपके बालों के लिए। अब हम इसको छान लेंगे, और फिर हम छोटे बॉटल में डाल देंगे। अब हम बॉटल में डाल देंगे। ये स्प्रे बॉटल है, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है, आप बॉटल में डाल सकते हैं। और ये जो रिमेनिंग है, अब हम इसको स्टोर करेंगे और रिफ्रिज करेंगे फॉर 5 डेज। और ये हमारा राइस वाटर रेडी है। और अगर आपके पास कोई भी ग्लास का जार है, आप स्टोर कर सकते हैं,
for 5 days in the refrigerator. So our rice water ready hai. जब भी आपको यूज करना है आपको अच्छी तरह हिलाना है, शेक इट नाइसली। आपको स्प्रे करना है अपने स्कैल्प में, क्योंकि जहां जहां आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं या आपको शिकायत है गंजापन की, क्योंकि आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा वीक है, तो आपको अच्छी तरह इसको स्प्रे करना है ये राइस वाटर को। और जहां आपको गंजापन की शिकायत है वहां आप अच्छी तरह ये राइस वाटर को स्प्रे कीजिए। राइस वाटर में हैज वेरी हाई प्रोटीन्स, अबाउट 16%। इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल है, न्यूट्रिशंस है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन बी एंड ई है, बहुत सारा फायदे हैं इस राइस वाटर में आपके बालों के लिए। एंड्स में भी स्प्रे करना है। मैं पूरे बालों में अच्छी तरह स्प्रे कर रही हूँ ये राइस वाटर। अब स्कैल्प में अच्छी तरह मसाज करना है। दिस इंक्रीजेस सर्कुलेशन। और बाल के लेंथ को भी, एंड्स को भी आपको अच्छी तरह इस राइस वाटर को स्प्रे करना है। मैं फिर से स्कैल्प में मसाज कर रही हूँ 2-3 मिनट के लिए। और अब मैं पूरे बालों में कोम्ब कर रही हूँ, क्योंकि जो राइस वाटर है वो पूरे बालों में अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए और ये मुझे बहुत ज़्यादा फायदे मिले इस राइस वाटर के साथ। और आप जो भी शैम्पू करते हैं और कंडीशनर करते हैं उसके बाद जब आप रिंस करेंगे राइस वाटर के साथ, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और आप रख सकते हैं एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स और फिर आप वॉश कीजिए। तो मैंने बालों को टाई किया है, अब हम रखेंगे 30 मिनट्स। कुछ दिनों में पहले से ज़्यादा आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत भी। और अगर आप इसको यूज़ करेंगे रेमेडी को एटलीस्ट 2 times a week, आप डेफिनेटली रिजल्ट्स पाएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रिजल्ट्स, अगर आपने इसको यूज़ किया है आपके रिजल्ट्स क्या है, आपको अच्छा लगा या नहीं, कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल, और सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। टिल देन लव यू ऑल गाइस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज।
Thank you.